जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023 के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के रिजल्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और बिल्कुल अगर आपने भी सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन के लिए एग्जाम दिया है तो भाई अब तैयार हो जाएगा। अब वो दिन आप लोगों के बहुत नजदीक है कि आप लोग बहुत ही जल्द सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन के बतौर पद पर सिलेक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मिशन मोड चल रहा है और अब तैयारियां जोरों शोरों पर हो चुकी है। फिर से एक बार सीआरपीएफ ने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया और ऐसे में रिजल्ट और फिजिकल और ट्रेड टेस्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। अगर आपने एग्जाम दिया और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी अगर आपके आ रहे तो भाई आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा समय रिजल्ट के बाद में नहीं मिलने वाला। ऐसा एसएसबी वाले बच्चों के साथ में हो चुका है, क्योंकि उनका एग्जाम बीटीसीएस ने कंडक्ट करवाया था। आंसर के आने के बाद में बिना किसी नोटिस के डायरेक्टली रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट के 4 दिन बाद ही उनका ट्रेड टेस्ट शुरू करवा लिया गया। अब ट्रेड टेस्ट तो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में पहले से भाई प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि कई ट्रेडों में 5 किलोमीटर की रेस है तो कई ट्रेडों में 1600 मीटर की रेस है। तो अभी से तैयारी को आप लोग शुरू कर दीजिएगा। कब से आप लोगों का ट्रेड टेस्ट और फिजिकल शुरू होगा, कब आप लोगों का रिजल्ट जारी होने वाला है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं उसकी ऑफिशियल नोटिस पे। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात जो भी बात करेंगे ऑफिशियली बात करेंगे और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो सबसे पहले यहां पर आप लोगों का होने वाला है रिटर्न के बाद में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीटी आप लोगों का होगा। और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, पीटी के साथ ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी भाई अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। चाहे रिटर्न में आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, अगर आप इन चीजों में क्वालिफाई नहीं हो पाते तो आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। अगर आपके मिनिमम कट ऑफ जितने भी नंबर बन रहे हैं और ये दो चीज आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने का चांसेस बन जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल की तैयारी की बात करते हैं, तो फिजिकल में देखो बहुत सारी ट्रेडों में अलग अलग फिजिकल का प्रोसेस रहने वाला है। कई में 5 किलोमीटर की रहेगी, कईयों में 1600 मीटर की रेस होगी। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने इस ट्रेड से अप्लाई किया तो क्या मेरे को 5 किलोमीटर की रेस करनी पड़ेगी या 1600 मीटर की रेस करनी पड़ेगी। देखो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपने कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई किया है, उसके साथ में कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन गार्डनर के लिए, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पेंटर के लिए, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन कारपेंटर के लिए, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ब्रास बैंड के लिए, उसके साथ ही कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पाइप बैंड के लिए, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन कोबलर के लिए, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन टेलर के लिए, इतनी ट्रेडों के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो भाई 5 किलोमीटर की रेस आपको करनी पड़ेगी। समय आपको मिलेगा 24 मिनट का, और 5 किलोमीटर की रेस बिना प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस में प्रैक्टिस जरूरी है, होती आसान है लेकिन बिना प्रैक्टिस आप मात खा जाओगे। इसलिए अभी से तैयारी कर दो, और ऐसा होगा नहीं कि एडमिट कार्ड आने के बाद में आप 4 या 5 दिन में आप रनिंग कर लेंगे। तो रनिंग की प्रैक्टिस है वो पहले से होनी चाहिए। कब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, कब आप लोगों का यहाँ पर फिजिकल शुरू होने वाला है, ट्रेड टेस्ट शुरू होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो भाई अगर आपने इन ट्रेडों से अप्लाई किया तो आपके लिए 1600 मीटर रेस होगी, समय मिलेगा 8 मिनट और 30 सेकंड। नॉर्मली जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। हाइट में छूट मिलेगी केवल और केवल एसटी कैंडिडेट को, हाइट और चेस्ट दोनों में केवल एसटी कैंडिडेट को मिलेगी। या फिर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, आपको हाइट और चेस्ट में छूट यहां पर मिलने वाली। नॉर्मली आपका चेस्ट 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर आपने इन ट्रेडों से अप्लाई किया है, जिनमें मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर कुछ ट्रेडे आप लोगों के लिए मैं बता दूं जिनमें आप लोगों की 1600 मीटर की रेस होने वाली। भाई कौन कौन सी ट्रेडें होगी, बाकी की जितनी भी ट्रेडें आप लोगों की बची है, चाहे कुक हो, वाटर कैरियर हो, स्वीपर हो, बाकी जितनी इन ट्रेडों को छोड़ने के बाद में, इन ट्रेडों को छोड़ने के बाद में बाकी जितनी भी ट्रेडें बची है उनमें आप लोगों की रेस होगी, वो होगी 1600 मीटर की। कितनी होगी मेरे बच्चों, 1600 मीटर की रेस होगी, समय दिया जाएगा 8 मिनट का। काफी समय मिल रहा है, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेना और ट्रेड की तैयारी साथ में कर लेना, क्योंकि ट्रेड टेस्ट भी फिजिकल के साथ ही होने वाला है। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके अगले दिन उसी सेंटर में आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आपको सीआरपीएफ में फाइनली सिलेक्शन लेना है तो।
अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर रिजल्ट जारी कब होगा, तो मैं क्लियर कर दूं, ये सितंबर महीना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सितंबर महीना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको समय नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए, ऐसा हो चुका है एसएसबी के साथ में, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ साफ निर्देश दे दिए सभी रिक्रूटमेंट बोर्डों को कि दिसंबर से पहले सभी का प्रोसेस कंप्लीट करो, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है, और चुनावों के तहत आप सभी को पता है सबसे ज्यादा चुनाव में जो ड्यूटी लगती है वो सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी लगती है, तो ऐसे में रिक्रूटमेंट है प्रक्रिया है वो यहां पर रुक जाएगी। तो और सरकार को यह भी बताना है कि भाई 2023 में हमने कितने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, और रोजगार मेले का आयोजन आप सभी को बता किया जा रहा है, अभी एसएससीजीडी का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के 5 या 6 दिन बाद में ही उनको यहां पर ज्वाइनिंग लेटर है वो रोजगार मेलों के तहत दिया गया, तो रोजगार मेलों के तहत ही आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। अब देखो क्लियर कर दूं, सितंबर महीने में लगभग चांसेस है कि 15 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपको कैसे पता चला 15 सितंबर को होगा, देखो ये रिक्रूटमेंट सेल का प्रोसेस होता है और ये जो अपडेट मिलती है ये रिक्रूटमेंट सेल के तहत ही मिलती है, और यहां पर जो प्रक्रियाएं हैं, जो शॉर्ट नोटिस है, जो नोटिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो नोटिस है, जो जितने भी रीजनल जो रिक्रूटमेंट सेल होते हैं उनको भेजा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एसएसबी में एक नोटिस पहले ही जारी हो गया था, और वो नोटिस जारी हुआ था हेडक्वार्टर की तरफ से, और जितने भी रिक्रूटमेंट सेल है उनको भेजा गया था, और ये निर्देश दिए गए थे कि भाई हम ट्रेड टेस्ट करवाने वाले हैं, और ट्रेड टेस्ट में काम आने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी औजार होते हैं, उन सभी को आप एक जगह कर लीजिएगा, इन सेंटरों में इन ट्रेडों का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो नोटिस पहले ही जारी हो चुका था, साइड पे नहीं था लेकिन फैक्स नोटिस था, लेकिन यहीं पर भी यही प्रोसेस चल रहा है कि अब सीआरपीएफ है वो 15 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देगी, और अक्टूबर महीना, जी हां दोस्तों, अक्टूबर फेस्ट में आप लोगों का पीटी और पीएचडी ये आप लोगों का शुरू हो जाएगा। अब देखो काफी बच्चों का कमेंट आएगा क्योंकि लंबा चलेगा प्रोसेस, क्योंकि 68,000 के लगभग बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, उतने बच्चों का ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा वो भी अकेले सीआरपीएफ के सेंटरों में, तो समय तो जाहिर सी बात है लगने वाला है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि एक एक सेंटर में 5-5, 6-6 हजार बच्चों को बुला लिया जाएगा, मिनिमम संख्या रहेगी, मैक्सिमम 400-500 बच्चे बुला सकते हैं, इससे ज्यादा सेंटरों में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि पीटी भी होना है, पीएचडी भी होना है, और ट्रेड टेस्ट भी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, तो इतने सारे बच्चों का एक साथ नहीं हो पाता है, तो 500-500 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है समय तो आपको लगने ही वाला है, कम से कम 10 से 15 दिन आप लोगों का मिनिमम मान के चलिएगा फिजिकल और ट्रेड टेस्ट में। तो यहां पर आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट हो जाएगा और फिजिकल और ट्रेड टेस्ट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और 15 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब अभी जिन भी बच्चों के मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, फिर ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं और मैंने तैयारी नहीं की, नंबर भी अच्छे थे, क्वालिफाई भी हो गया लेकिन फिजिकल पास नहीं कर पाया, ट्रेड टेस्ट पास नहीं करवा पाया, तो ये आप लोगों की खुद की गलती होगी, और आप अपने आप को यहाँ पर कोसने वाले हैं, बाद में आप सोचेंगे कि काश मैं भी थोड़ी सी तैयारी कर लेता तो काश मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो अभी से तैयार हो जाओ, सिलेक्शन बहुत नजदीक है, वैकेंसी बड़ी है, और आप सभी ने पता है उन बच्चों को पूछो जिन्होंने 2016 से लगातार इंतजार किया था इस सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिक्रूटमेंट का, और एक बड़ा रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए सीआरपीएफ का आया था, तो उसी अंदाज से जोश कम मत होने दो, अपने आप को मोटिवेट रखो, और जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया उस समय आप लोगों ने जो तैयारी शुरू की थी उसी तरीके से तैयारी करते जाओ। इसके साथ मैं बता दूं बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, काफी बच्चों के कमेंट आते हैं, जो भी हमारे बैचेस से तैयारी करें बहुत अच्छे बच्चों के नंबर बन रहे हैं, और फिर से एक बार आप लोगों के लिए शाम को 7:15 पे और रात को 9 बजे 2 प्रैक्टिस सेशन टीसीएस पैटर्न पे शुरू कर दिए, जो भी बच्चे एसएससीजीडी सीएसएफ ट्रेड्समैन आईटीबीपी ट्रेड्समैन एसएसबी हेडकांस्टेबल सीएसएफ फायरमैन और सीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जो कि यूट्यूब पर रहने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। इसके साथ ही मैं बता दूं अगर आप किसी भी ट्रेड्समैन की टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं सीआरपीएफ एसएसबी और बीएसएफ इनके जो टारगेटेड हमारे बैच चले थे उनका बेहतरीन रिजल्ट के साथ में अब नए टारगेटेड बैच आप लोगों के लिए आईटीबीपी ट्रेड्समैन एनिमल ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर का फौजी बैच है, सीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए AK-47 बैच है, ड्राइवर के लिए ड्राइवर सेना बैच चल रहा है, एसएसबी ट्रेड्समैन के लिए न्यू प्रेरी बैच चल रहा है, और एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए हवलदार बैच चल रहा है। ऑल सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा शॉर्टली पढ़ने के लिए,
प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज मिलेगा और ये सब कुछ मात्र 399 रुपए मिलेगा, बिल्कुल जीरो से और बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाए और वही चीजें पढ़ाई जाते जो ट्रेड्समैन के लेवल तक, ट्रेड्समैन के लेवल तक जो पूछी जाती है उसी लेवल से और टीसीएस पैटर्न के आधार पर। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर जाकर बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी की भाई वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को बताया फरवरी मार्च में एग्जाम होने वाला है और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। चक्षु पब्लिकेशन के गाइड भी मार्केट में आ चुके हैं, ये स्टडी गाइड है जिसमें आपको 250 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 5 प्रैक्टिस है। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 11 सॉलिड पेपर 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो दोनों ही बुकें काफी अच्छी है और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से एग्जाम दिया था और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।